तो आज हमारे साथ अवधेश जी हैं, मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट जो इस क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इसके लिए कला, नमस्कार। और मैं मुझे पता है बहुत बिजी हैं आप, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, आपके एग्जीबिशंस भी होते रहते हैं, आप सिखाते भी हैं लोगों को, तो इस सब के बाद भी आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो भी लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए टाइम निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है सेशन में। बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। मैं थैंक्स आप धन्यवाद आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूँ। जी जरूर। आई थिंक अब हम शुरू कर सकते हैं। स्वाति, क्या प्लीज। आज की वार्ता मधुबनी फोक आर्ट के ऊपर है, और मधुबनी मिथिलांचल का बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसिव ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही रिमार्केबल है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा था कि ये रामायण के समय से ये आर्ट फॉर्म होता आ रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अवधेश जी, की इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? ये ने जो मधुबनी पेंटिंग है इसका रियल नेम मिथिला चित्रकला है। ये कला रामायण काल से ही आ रहा है। लोक कथाओं के अनुसार सीता जी की जो शादी हुई थी उसके लिए राजा जनक ने अपने पूरे महल को और अपने पूरी प्रजा के अंदर मान इसको पूरा सुंदरता बढ़ाने के लिए और सजावट के तौर पर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया गया था। और हमारे ट्रेडिशन परंपरा में तो ये है ही, उसके बाद कंटिन्यू चला रहा है, मैंने ये सदियों से है। एग्जैक्ट कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार इसको रामायण काल से जोड़ा गया हुआ कि रामायण में काल से इसकी शुरुआत हुई थी सीता जी की शादी से। जी, बिहार तो वैसे भी क्रेडल है बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स का, बुद्धिज्म का, रिलीजन का, एजुकेशन का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सुंदर आर्ट फॉर्म्स उस रीजन से निकले हैं। इस आर्ट फॉर्म में जैसे आपने बताया कि ये बहुत सालों से होता आ रहा है, और पहले लोग इसको घरों पे दीवारों में सजावट के लिए, सुंदरता के लिए बनाते थे, बट पिछले कुछ दशकों से इसमें काफी बदलाव आया है। तो पहले ये घरों में होता था, फिर ये पेंटिंग के फॉर्म में कागज पे होने लगा, पेपर मैशी के भी बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन पे मधुबनी पेंटिंग्स की जाती हैं। तो ये बदलाव किस तरीके से आया, ये कैसे घर से निकलकर जो कमर्शियल एंगल आया इस आर्ट फॉर्म में, वो किस तरीके से हुआ? देखिए इस कला का तो मैंने सजावट के तौर पे शादियों में दीवालों के ऊपर किया ही जाता था। हमारे यहाँ जब शादियां होती है, आज भी हो रही है, तो घर के सुंदरता के लिए घर के बाहरी दीवालों पे और अंदरूनी दीवालों पे इस कला का उपयोग किया जाता है। अभी भी 1930 में जब भूकंप आया था तो उस भूकंप में मिट्टी के घर थे हमारे, वो सारा मिट्टी का घर टूट के गिर चुका था। उसके टुकड़े मिट्टी के टुकड़ों पे कुछ कुछ आर्ट, जब जेबी आर्चर थे उन्होंने इसका डॉक्यूमेंटेशन किया था पूरी की कितनी बर्बादी हुई है ये जानने के लिए। तो उस जब फोटोग्राफी के दौरान उनको ये सारे फोटोज मिले थे जिसको जो फोटोज आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है, तो वहां से इस कला का ज्यादा विस्तार पकड़ा, माने लोगों तक पहुंच हुई कि ये कला है और ये पारंपरिक कला है। धीरे धीरे इसका विस्तार भी होता रहा, लेकिन जब 1962 में अकाल पड़ा था बिहार में, उस टाइम पे इस कला को जो मेन जो हमारे रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया गया था उसके लिए इंदिरा गांधी जी ने पुपुल जयकर जी को जोड़ा कि जितनी भी स्पेशली ये महिलाएं काम करती थी तो इन महिलाओं के से इन पेंटिंग को लेके एक बाजारी रूप कैसे दिया जाए, वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये समय टू समय अलग अलग चीजों पे प्रयोग होने लगे, कपड़े से कैनवस पे आया, पेपर पे आया, उसके पेपर मैशी पे आया, आज हर एक आइटम्स पे इसको बनाया जाता है। जी बिल्कुल, मधुबनी तो एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसको शायद कोई पहचान की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग इसको पहचानते हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आपने महिलाओं की बात करी, तो मैं बस ये जोड़ना चाह रही थी कि इस आर्ट फॉर्म को भी बहुत श्रेय मिलता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि यही एक अकेला आर्ट फॉर्म है जिसमें 6 पद्मश्री फीमेल आर्टिस्ट हैं, और क्योंकि ये आर्ट फॉर्म इतना बिहार के लोक जीवन से, वहाँ की संस्कृति से इतना जुड़ा हुआ है, तो उसमें महिलाओं की तो बहुत अहम भूमिका रही होगी।
तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, और आप कैसे इसमें आए, आपकी जर्नी कैसे हुई, इतना फीमेल डोमिनेटेड जो एक आर्ट फॉर्म रहा है शुरू से, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इस क्षेत्र में आगे काम करना है? देखिए, ये कला पूर्णतः से महिलाओं के द्वारा ही उत्थान किया गया हुआ है। भारत की पहली कला है जिसके अंदर पांच सात पद्मश्री हो गई है। अभी इस अच्छा, साल दुलारी सात, देवी जी को सातवीं पद्मश्री भी दुलारी देवी जी को मिला, वो भी एक महिला है, अभी जो ओह अनाउंसमेंट हुआ। फैंटास्टिक. तो एक तरीके से समझिए, कोबर के सात पत्तों में हमारी सात महिलाएं विराजमान हो गई है एकदम। तो सब मुझे लगता है कि शायद ही ये पहला आर्ट है जो मैं इस तरीके से महिलाओं के द्वारा विश्व लेवल तक ले जाया गया, और सात पद्मश्री जीतने का भी जो एक गौरवपूर्ण क्षण है वो भी इसी कला के द्वारा महिलाओं को मिला। महिलाएं रीति रिवाज से जुड़ी हुई है, हर तरह के फेस्टिवल हमारे यहाँ, हर तरह के फेस्टिवल होते हैं, तो जो परंपरा है एक तरीके से महिला ही एक दूसरे महिला को वो करती है, मैंने ट्रांसफर करती है। जैसे माँ है अपनी बेटी को जरूर सिखाती है, फिर वो उसकी बेटी को सिखाती है, तो एक तरीके से ये जैसे कहते हैं कि माँ हमारी पहली पाठशाला है, तो ये कला हमें माँ से ही मिलती है। मेरी माँ इस कला को करती थी और वो इस कला को आगे आपकी तक। गुरु भी आपकी माता जी ही हैं? जी, मेरी माँ गुरु मेरी गुरु हैं, और उन्होंने ही मुझे एक छोटी छोटी बारीकियां सिखाई। मैं देखता था कि मेरे घर में हमेशा कुछ न कुछ फेस्टिवल होता था, कुछ न कुछ उससे रिलेटेड डिजाइन बनाए जाते थे, सब डिजाइन के पीछे रीजन था। मुझे सबसे अच्छा लगता था कि हमारे यहाँ जब नागपंचमी होता था तो गोबर से पूरे घर के चारों तरफ सांप बनाया जाता था, पूरे बाहरी दीवारों पे लंबा सा सांप, और घर के जो मेन हमारे कुल देवता का घर होता था उसके दोनों तरफ से सांप का इस तरीके से फन बनाया जाता था, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो मैं माँ से पूछता था कि इसके पीछे का क्या रीजन है, तो सारी विरासतें कहानियां बताती थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मेरी माँ इस कला को लेके आगे बढ़ पा रही हैं, वो आगे इसको लेके बहुत अच्छे लेवल तक नहीं जा पाई क्योंकि ये ना उनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने ये जिम्मेदारी निभाई कि एक पारंपरिक मेरी विरासत भी है, क्यों ना मैं इस कला को और आगे लेके जाऊं। तो इसलिए माँ की मदद से मैं इस कला को अभी भी मैं अपनी माँ से सीख रहा हूँ, और इस कला को आगे बढ़ाने में मेरी माँ का पूरा योगदान है। जी बिल्कुल, कोई भी लोक संस्कृति तो मुझे लगता है महिलाओं के आंचल में ही पलती बढ़ती है। जी एकदम बिल्कुल। वाइफ अनुभा जी, वो भी इस पेंटिंग आर्ट फॉर्म में आपका साथ देती हैं, वो खुद भी एक आर्टिस्ट है ना? आपकी आवाज मैम ब्रेक हो रही है। हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही। हाँ, मैं बोल रही थी कि आपकी वाइफ अनुभा जी, वो भी एक मधुबनी आर्टिस्ट हैं, वो भी आपके साथ इसमें पेंटिंग्स का काम करती हैं, जी, तो वो भी आप करती थी बिल्कुल। दोनों में कभी ऐसे बहस होती है कि कौन बेहतर आर्टिस्ट है? नहीं, ऐसा बहस तो नहीं होता है, लेकिन डेवलप बाय जब डिजाइन डेवलप की बात आती है तो मैं उनको कभी कभी बताता हूँ कि ये चीज मैंने हमें इस तरीके से डेवलप करना चाहिए। एक्चुअली उनका अपना जो परिवार है, मैंने मयकावला परिवार है अनुभा का, वो पूरी तरीके से उनके घर में सब पूरा मैंने ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है। उनकी दादी आदरणीय सुभद्रा देवी जी, उनको पेपर मेसी में नेशनल अवार्ड मिला है। उनकी चाची हेमा देवी, उनको मधुबनी पेंटिंग में नेशनल अवार्ड मिला हुआ। तो अनुभा ने बचपन से देखा, दो दो गुरु उनके घर में थे, और किस तरीके से अलग अलग कलाओं को वो लोग जोड़ के आगे तक लेके जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती हम लोगों में, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अनुभा आगे हो गई या मैं आगे हो गया हूँ ऐसा। अच्छा अवधेश जी, मधुबनी कितने तरह के ये फोक आर्ट के क्या अलग अलग वो होते हैं, जिसको बोलना चाहिए कि वॉल पेंटिंग्स अलग तरह के हो गए, या इसके कोई डिफरेंट स्टाइल्स और टेक्निक्स होती हैं, या ये एक ही तरीके से किया जाता है? इसके चार तरीके हैं मधुबनी के अंदर। कचनी स्टाइल है, कचनी स्टाइल कायस्थ फैमिलियों के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें कलर नहीं भर के उसी कलर से उसके अंदर कचनी करना, पारंपरिक के अंदर ब्लैक और रेड का कचनी का मैंने 75% ब्लैक कलर और 25% रेड कलर उसके अंदर यूज किया जाता है कचनी स्टाइल में। आज तो सब कोई करते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे गंगा देवी जी थी, गोदावरी दत्ता जी हैं, महासुंदरी देवी है, इन लोगों ने सबने कचनी स्टाइल को ही डेवलप किया, और उसके अंदर कचनी स्टाइल में ही इनको महारत हासिल था और कचनी से ही आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा आता है भरनी स्टाइल। भरनी स्टाइल हमारे यहाँ के ज्यादातर ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। भरनी स्टाइल में काफी सारे चटकीले कलर इस्तेमाल किए जाते थे, मैंने जैसे ब्राइटर कलर, ऑरेंज, रेड, इन सब कलरों का ज्यादा यूज करके किया जाता था।
तीसरा इसका स्टाइल है गोदना। गोदना हमारे तरफ दुसाद परिवार के लोग होते हैं जो बनाते थे, और अभी तब तो सब बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। उसमें चानो देवी जी थी, जिनको बॉडी ह्यूमन बॉडी के ऊपर से बनने वाला आर्ट था, जिसको पेपर पे लाने का श्रेय चानो देवी जी को जाता है। और जब 1972 में एरिका मोजर जी आई, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया कि आप जब बॉडी ह्यूमन बॉडी पे बन रहे हैं तो उसको पेपर पे लेके आइए। तो चानो देवी जी ने 6 महिलाओं को जमा किया, 7 महिलाओं को, लोगों को ट्रेंड किया, और आज ये घर घर गोदना पेंटिंग लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। सबसे ज्यादा विदेशों में गोदना पेंटिंग की भी मांग है। तो गोदना से मतलब कि आप बोल रहे हैं कि ये बॉडी आर्ट की तरह यूज होता था, टैटू जैसे हम लोग आज टैटू बनाते हैं। जैसा, हाँ, मैंने गले के ऊपर, बाजुओं के ऊपर अलग अलग डिजाइन्स बनाए जाते थे, जैसे चींटी है, हाथी है, मोर है, ये सब बनाया जाता, बनारस की टिकुली है, बाजू बंद है, इस तरीके के डिजाइन्स, जिसमें 2 महिलाएं होती थी, वो भी एक विशेष जाति हमारे तरफ उसको वो आते हैं 15 दिनों के लिए, टेम्परेरी वो लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, तो उसमें जो महिला होती है, एक महिला तो निडिल चुभो चुभो के उसको मैंने गोदती है, मैंने गोदना में डीप ना बॉडी के अंदर चुभाना, उसको गोदना हम बोलते हैं, मैंने गुदना, गुदना से गोदना, तो वो, और एक महिला गाना गाती थी ताकि उसको बॉडी के अंदर पेन ना हो, मैंने इसलिए 2 महिलाओं के साथ एक बॉडी लेडी के ऊपर बनाने वाला ये कला। और अच्छा, आज तो तो टैटू हर कोई बना रहा है जी, कूल हाँ, अब तो टैटू बनाना बहुत ही कूल हो गया है हो गया लोगों के अंदर। जी। ये जो आप गानों की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह के गाने होते थे, या ये लोकगीत होते थे, इनको इनकी इनमें कोई कहानियां होती थी, या कोई रिचुअल्स के बारे में बात होती थी, या ये क्या कारण था कि ये ऐसे गा के इस तरह से काम करते लोकगीतें ज्यादा थी, लोकगीतें लोग ज्यादा गाते थे, और राजा सलहेश थे थे? हमारे यहाँ, राजा सलहेश की कहानियों पे ज्यादा लोकगीत था गोदना के अंदर, कि कैसे मैंने इस प्रदेश से एक राजा आया, उन्होंने किस तरीके से प्रजा बसाई, ये सब गानों के द्वारा मैंने सुनाया जाता था ताकि उसको पेन कम हो, और वो उसको लोकगीत के धुन में सुनाया जाता था, जब तक उसका गुदना गुदता है तब तक गाना सुनते थे जी। तो पेन भी कम हो, और ये एजुकेशन का भी एक तरीका हो गया यंगर हाँ जनरेशन को बताने के लिए कल्चर के बारे में, जी वहाँ जी की संस्कृति के बारे में। बहुत जी जी इंटरेस्टिंग। आपका क्या स्टाइल है अवधेश जी, आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, और आपका एक्सपर्टीज किस में है? मुझे कचनी स्टाइल का पेंटिंग करना ज्यादा पसंद है, ज्यादा बारीक बारीक लाइन लेना मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं चारों स्टाइल की पेंटिंग बनाता हूँ, क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट की लाइफ तो कस्टमर पे डिपेंड करती है, हमारा ग्राहक हमसे कैसा पेंटिंग चाहता है इस पे ध्यान देना होता है, लेकिन अगर पसंदीदा पेंटिंग बोलेंगे तो मैं कचनी स्टाइल की पेंटिंग ज्यादा बनाता हूँ, स्पेशली नेचर से रिलेटेड, जैसे ट्री ऑफ लाइफ, मेरा मकसद है कि मैं पर्यावरण बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपने पेंटिंग के जरिए लोगों को बताऊँ, तो कचनी स्टाइल की ज्यादा पेंटिंग मैं बनाता कचनी मतलब जो बहुत बारीक लाइन काम जी, है बारीक लाइन खींचना जी, बिल्कुल ना, बिल्कुल। हम आपकी जरूर कुछ पेंटिंग्स देखना भी चाहेंगे कि जो आपने कचनी स्टाइल में बनाई हैं। इसमें अब हम जब ये बात कर रहे हैं, और ये बार बार निकल के आ रहा है कि मधुबनी वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के जनजीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है, एकदम रचा बसा है, तो जो मोटिव्स आप लोग यूज करते हैं मधुबनी पेंटिंग्स में, वो वहीं के जीवन से रिलेटेड होते होंगे, जो पेड़ पौधे, जो वेजिटेशन, जानवर, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस भी होता है? जैसे ये हाथी वाली पेंटिंग है, ये आपकी कचनी स्टाइल में बनाई हुई है जी, हाथी कचनी वाले स्टाइल में बनाई हुई है जी, तो इन मोटिव्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है वहाँ के रिचुअल्स में, वहाँ के आपकी जो रिलीजियस, जैसे स्पेशली कोबर, जो एक घर, कोबर घर जो शादी के समय बनाया जाता है, उसके मोटिव्स तो बहुत ही स्पेशल होते हैं, और उनमें हर मोटिव का एक मीनिंग होता है, तो अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैं बताता हूँ, कोबर में बांस बनाया जाता है, बांस मीन्स बैम्बो ट्री, उसके लिए ना वो इसलिए बनाया जाता है कि आपने देखा होगा कि कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे मैंने अच्छी परिस्थिति हो या अच्छे उसको मिट्टी ना मिले, बांस अपने आप को पनपना, मैंने वो अपना पेड़ निकलना नहीं छोड़ता, वो अपने बांस की वृद्धि होती रहती है, अलग नए नए पेड़ उगते रहते हैं, तो ये हमें संदेश देता है कि पति पत्नी के जीवन में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, तो वो जीवन कंटिन्यू रखते हैं और अपना जो वंश है अपने वंश को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो
तो इसीलिए बांस गोबर के ऊपर बनाया जाता है। उसके अंदर बनने वाले सारे चीजों के पीछे कहानी है। बांस तो ना आप वंश वृद्धि के लिए भी कह सकते हैं और विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मैंने मजबूती के साथ खड़ा रखने के लिए भी कह सकते हैं, इसलिए बांस बनाया जाता है। दूसरा उसमें हम लोग बनाते हैं लटपटिया सूगा। लटपटिया सूगा पति पत्नी के आपसी प्रेम को दर्शाता है कि उसका बनाने का स्टाइल भी वैसा ही है कि दोनों का फेस इस तरीके से जुड़ा हुआ। लटपटिया सूगा राउंड के अंदर बनाया जाता है ताकि पति पत्नी ये जो ये कोबर यहाँ पे स्वाति हमें दिखा रही है, इसमें आप पॉइंट आउट करके थोड़ा बता सकते हैं कौन सा मोटिफ है वो? जी मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, अगर मैं देख पाऊँ तो मैं बता पाऊंगा। ओ अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? जी हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। जी देखिए कोबर है, कोबर के ना मेरे तरफ से अगर देखेंगे तो राइट हैंड के कॉर्नर पे ये बांस बना हुआ है। जी, कॉर्नर के और ऊपर एक कौन जी से मोटिव्स हैं जो इसमें यूज हुए हैं? जी इसके अंदर बांस बना हुआ है, लटपटिया सूगा बना हुआ है, उसके बाद इसमें हाथी बना हुआ है। नीचे देखिए मैं एक एक करके बताता भी चल रहा हूँ। लटपटिया सूगा राइट हैंड पे जहां पर शिव पार्वती बने हुए हैं, शंकर भगवान शिव जी के ऊपर देखिए दो सूगा बना हुआ, वो लटपटिया सूगा है। जुड़वा मोड़ बनाते हैं, ये विधि विधाता है हमारे यहाँ। विधि विधाता हमारे भाग्य को लिखते हैं। हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होता है, प्रेम विवाह नहीं होता है, और न ही हमारे यहाँ कुंडली मिलाई जाती है। दो विपरीत लोग मिलते हैं, ये किस्मत का लेखा जोखा माना जाता है, ताकि हमारे हमारे किस्मत का लेखा जोखा जो वेद विधाता है वो लिखें और एक लॉन्ग लाइफ चले, खुशहाली भरा पति पत्नी का, इसलिए जुड़वा मोड़ माने वेद विधाता के रूप में दिखाया जाता है। हाथी बनाया जाता है दुल्हन के आगे, आप देखिए मेरे तरफ से राइट हैंड पे है हाथी बना हुआ छोटा सा। हाथी हाँ, ये ऐश्वर्य नीचे की तरफ। जी हाथी ऐश्वर्य सुख और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जो नई दुल्हन होती है वो हाथी के सर के ऊपर पान का पत्ता और सुपारी से गौरी पूजा करती है ताकि उसके पति की लॉन्ग लाइफ हो। गौरी पूजा करना न विवाहिता महिलाओं के लिए हमारे यहाँ बहुत शुभ और कंपलसरी दोनों चीज माना जाता है। वो शादी के अगले दिन से ही गौरी पूजा स्टार्ट करती है। हाथी के बगल में कलश रखा जाता है। कलश हमारे यहाँ उसको पातिल बोलते हैं। वो मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर 4 दिन तक कंटिन्यू दीप जलता है। उसको वो अखंड सौभाग्य के लिए उसको जलाया जाता है, वो कभी भी बुझता नहीं है 4 दिन तक। वो उसके लिए शादी में एक लेडी होती है, उसको मैंने बोला जाता है दीपलेस निहारी। उसका मैंने उसको ये पद मिलता है शादी में कि वो ध्यान रखेगी कि 4 दिन तक ये दीप न बुझे। वो बार बार जाके उसमें उसके बाती को आगे बढ़ाती है, तेल डालती है कि दीप न बुझे। उसको उसके लिए अलग से गिफ्ट मिलता है, वो एक रस्म है हमारे। उसके बाद हम उसके अंदर जो बनाने वाले और आइटम्स हैं मैं एक एक करके बता दूं कि शिव पार्वती का आप देखते होंगे कि लेफ्ट हैंड पे शिव पार्वती जी को लगाया गया। शिव पार्वती जी भगवान के यहाँ सबसे मैंने सफल दंपत्ति माने जाते हैं कि मैंने पूरी लाइफ उनके मैंने संग उनके गणपति हैं, कार्तिक दो बच्चे भी हैं। तो हर पति पत्नी के साथ ये माना जाता है कि उनका जीवन हमेशा शिव पार्वती की तरह ही खुशहाल हो, तो इसलिए शिव पार्वती को भी कोबर के अंदर बनाया जाता है। सूर्य चंद्रमा बनाया जाता है, नव नवग्रह बनाया जाता है। ये सब इसलिए बनाया जाता है कि हमारे यहाँ कुंडली नहीं मिलाया जाता है। बहुत जगह शादियों में आपने सुना होगा कि दुल्हा दुल्हन की शादी से पहले दोनों की कुंडली मिलाई जाती है। हमारे मिथिला कल्चर में कुंडली मिलाने का कोई रिवाज नहीं, दो विपरीत लोग मिलते हैं और शादी होती है। तो वो शादी ज्यादा दिन सक्सेस हो, अच्छे से हो, इसके लिए नव नवग्रह, सूर्य चंद्रमा, पंच देवता, इन सबको बनाया जाता है। कोबर के अंदर पुरेन का 7 पत्ता है। आप ध्यान देखें जो राउंड बना हुआ है, एक बीच में राउंड है, 3 इस तरह है, 3 उधर है, टोटल 7 है। ये 7 सर्कल हमारी विवाह पद्धति से लिया गया है। हमारे यहाँ जो शादी होती है उसमें पिता की 7 पीढ़ी और माँ की 5 पीढ़ी मिलाया जाता है कि इस शादी से पहले क्या इस परिवार में पहले भी शादी हुई, अगर हुई तो शादी हमारे यहाँ नहीं होती। इस पद्धति को साइंस भी सही मानता है क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज इससे नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो उसी को ये 7 पत्ते शो करते हैं, जो 7 पत्ते हमारे कोबर में मेन रूप से दिखाए जाते हैं। कमल का फूल भी इसके अंदर ऐड किया जाता है, जो संतान उत्पत्ति से रिलेटेड है कमल का फूल, तो कोबर के अंदर कमल का फूल भी ऐड किया जाता है।
कमल का पत्ता, बीच बीच में जिसको हमारे यहाँ पुरेन का पत्ता बोलते हैं, वो भी ऐड किया जाता है। कमल के पत्ते पे, जिसको पुरेन का पत्ता बोलते हैं, उस पे आपने देखा होगा कि हम कभी भी पानी के बूंद गिराते तो टिकता नहीं। वो एक ये संदेश देता है कि पति पत्नी के जीवन में किसी भी तरीके का कभी कोई शक पैदा नहीं होगा। अगर कोई कुछ गलत भी सुनाता है तो वो पानी की तरह, जिस तरह ना पुरेन के पत्ते पे पानी स्लिप कर जाता, उसी तरह उसकी वो अफवाहें स्लिप कर जाए। मैंने पूरी कहानी मिला जुला के पति पत्नी के सही संबंध और सुखमय जीवन के लिए इन चीजों को ऐड किया। बहुत ही सुंदर है ये पेंटिंग, और इसके पीछे जो थॉट है और जो यू नो वेल विशेस हैं नवविवाहित जोड़ों के लिए, बहुत ही गहरी बातें हैं इन सब के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे ये सुनकर। और मैं इसमें ये भी देख रही थी कि इसमें सिर्फ लाल रंग यूज हुआ है, तो ऐसा कोई कलर का भी रिस्ट्रिक्शन होता है इसके अंदर कि कोई सर्टन तरह के कलर्स ही यूज होंगे और दूसरे कलर्स नहीं यूज होते हैं? देखिए, पारंपरिक जहां जहां देखा गया है, पारंपरिक कोबर रेड कलर से ही लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे आपने कलरफुल अगर कोबर देखा, कलरफुल कोबर डेकोरेशन के लिए जहां यूज किया जाता है, जहां कहीं पे आप देखेंगे किसी के वॉल पेंटिंग पे कोबर बनाना है तो कलरफुल बनाते हैं। नॉर्मली कोबर के अंदर ये चूंकि शादी से जुड़ा हुआ है, शुभ चीज है, तो इसमें ब्लैक कलर और कलर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ रेड कलर से ही बनाया जाता है। जहां डेकोरेशन की बात आती है वहां लोग कलरफुल भी बना रहे हैं, जैसे आजकल बहुत लोगों को दिख रहा है, मुझे भी देखने को मिला कि कलरफुल बना रहे हैं, लेकिन वो कलरफुल कोबर शादी में यूज नहीं होता, सिर्फ रेड कलर यूज होता। जी, तो जो रिलीजियस रिचुअल्स में जो पेंटिंग्स बनती हैं, तो उसमें फिर रंगों का भी बहुत बड़ा महत्व हुआ। जी तो इन रंगों के बारे में भी अगर आप कुछ बता सकें कि क्या हर रंग का अपना एक कुछ सिग्निफिकेंस होता है इन पेंटिंग्स में, या ये आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि वो कैसे कलर्स यूज करेंगे? ये आर्टिस्ट ही डिसाइड, देखिए हर आर्टिस्ट का मैंने तो इसमें कलर जो यूज करने का उसका अपना मैंने माइंड सेटअप के हिसाब से होता है। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि मिथिला चित्रकला में ब्राइटर कलर ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्राइटर कलर्स के मतलब जैसे ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, हमेशा ब्राइटर कलर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डिजाइन का कलर एक आर्टिस्ट के हिसाब से कि वो कहाँ क्या ज्यादा यूज करना चाहता है। बहुत हम लोग जैसे कचनी स्टाइल में बनाते हैं, तो हम लोग अगर कोई ह्यूमन फिगर भी बनाते हैं तो हम लोग ब्लैक रेड ही यूज करते हैं ज्यादा, उसके अंदर बहुत सारे कलर यूज नहीं करते। तो ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ब्राइटर बनाना चाहता है या कैसा डिजाइन बनाना चाहता। जी, और इसमें किस किस तरह की थीम्स यूज होती हैं? जैसे ये अभी जो आपने कोबर बताया, वो तो बहुत ही रिचुअल से स्पेसिफिक एक कोबर बना, बट जी उसके अलावा जनरली मधुबनी पेंटिंग्स में किस तरह के थीम्स होते हैं, या क्या मोटिव्स यूज होते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हमारा जो बेस है पारंपरिक तौर पे वो रामायण और महाभारत की चीजों को ही लेके हम लोग इसकी पारंपरिक चीजें, जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये राम जी और सीता जी का शादी का सीन दिखाया गया है कि दोनों का जयमाल हो रहा है। उसके बाद हम लोग सीता हरण का सीन बनाते हैं, रावण वध का सीन बनाते हैं, जब राम जी अयोध्या लौटे थे रावण जी के वध के बाद, तो राम दरबार का सीन बनाते हैं, ये भी मैंने राम जी और सीता जी बनाया है। तो ना महाभारत में अगर आप आएंगे तो गीता उपदेश ज्यादा बनाते हैं हम लोग, कृष्ण लीलाएं तो बहुत बनाते हैं, अलग अलग रूपों में कृष्ण जी का अलग बनाते, मेन वो पारंपरिक तौर पे था। अब क्या है कि समसामयिक विषयों पे भी हम लोग पेंटिंग करने लगे कि करंट में क्या न्यूज है, क्या चल रहा है हमारे जीवन में, उससे रिलेटेड। ये गोदना है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कलरफुल गोदना है, इसमें कलर सब इस्तेमाल किया हुआ है, ये गोदना पेंटिंग। बहुत सुंदर है अवधेश जी सारे पेंटिंग्स। और मुझे याद है, मैं सभी लोगों, सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगी कि अवधेश जी से हम मतलब मेरी पहली मुलाकात हुई जब उन्होंने IICD के लिए एक ऑनलाइन वर्कशॉप कंडक्ट कराई, और बहुत ही सरलता से, सहजता से, बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने सारे पार्टिसिपेंट्स को मधुबनी पेंटिंग सिखाई। और उनके साथ राकेश जी भी थे मिथिला आर्ट स्कूल से, दोनों ने मिलके बहुत अच्छी वर्कशॉप कराई। सभी पार्टिसिपेंट्स भी बहुत खुश हुए थे उससे। तो अवधेश जी, ये जो कोविड की वजह से अभी यू नो सबका हमने देखा कि आपने तो बिल्कुल क्विकली अडेप्ट कर लिया ऑनलाइन मोड में, तो आपको क्या लगता है कि इस आर्ट फॉर्म पे क्या इम्पैक्ट रहा कोविड की वजह से, और कैसे आप लोग उससे डील कर रहे हैं आगे?
सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि देखिए कोविड की वजह से हम आर्टिस्टों के लाइफ में बहुत इफेक्ट हुआ है। इफेक्ट ये हुआ है कि हम जो पारंपरिक आर्टिस्ट हैं गांव से हैं, हमें इन सब चीजों का कुछ भी पता नहीं होता कि हम तो कभी जैसे किसी स्कूल में कॉलेज में IIT वगैरह में जब हमें बुलाया जाता था हम वर्कशॉप करते थे, वो ऑफलाइन वर्कशॉप था। कोविड के बाद हमें तो लगा कि हमारी लाइफ रुक गई, अब हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर जगह तो उन्हीं हमारी चीजें भीड़ भाड़ वाली कि मार्केट भी भीड़ का है, कॉलेज में भी, तो शायद हम लोगों के जीवन में बहुत मुश्किल आने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुश्किल में कुछ एक नया चीज आता है, आशा की किरण, वो हमें ये ऑनलाइन के साथ स्टार्ट हुआ। और पहला ऑनलाइन मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे ISED के थ्रू ही मैंने पहला ऑनलाइन वर्कशॉप किया था। उससे पहले 1 दिन का 2 दिन का किया था, लेकिन जब मैं ISED के साथ वर्कशॉप किया तो काफी सारे टेक्निकली चीजों को समझा कि कैसे करते हैं, किस तरीके से उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हमें लोगों तक अपने आर्ट को दिखाना होता है। तो काफी सारे चैलेंजेस थे हमारे लाइफ में, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल हालातों में भी हम संभलने की कोशिश करते हैं, तो वही संभल के फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि हमने क्रिएटिव डिग्निटी में भी आपके साथ काम किया था, और जितनी लगन और मेहनत के साथ में आपने इतना डेडिकेटेडली ऑनलाइन मोड में ही अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी करना सीखा, आपने इतना पेशेंटली पूरा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस जो होता है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट प्रोसेस है, आपने वो भी किया, तो यू नो दिस इज ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि आपने इतनी जल्दी इन सबको अडाप्ट किया और इस मुश्किल हालात में भी अपने काम को कंटिन्यू रखा, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स की ही हम आगे बात बढ़ाते हुए, अगर आपको जो पहले के समय में जो टूल्स यूज होते थे मधुबनी पेंट करने में, और जो अब होने लगा है, आप थोड़ा उनके बारे में अगर बताएं कि पहले किस तरीके से होता था, कलर्स कैसे बनते थे, या ब्रश और निब किस तरह का होता था, और अगर आपके पास वो है आप दिखा सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, पुराना वाला जो आपने हमें भी दिखाया था। जी देखिए पहले क्या था कि जो ना बांस होता है, बांस की जो ना पतली वाली स्टिक आती है उसको मैंने अपनी माँ को भी देखा और दादी को भी देखा था, उसको पत्थर पे कूटते थे, आगे वाले भाग को कूट के उसको पानी में डालते थे, उससे पूरा ड्राइंग किया जाता था, यानी वो एकदम बारीक हो जाता था उसको पत्थर से कूटने पे, उसको पानी में छोड़ दे छोड़ा। सपोज करिए कि ये बॉम्बो स्टिक है, इसको इस आगे वाले भाग को पत्थर से कूटना, उसको फिर लगभग 10 से 15 मिनट पानी में छोड़ना, फिर कलर में खींचना, आया कि उसके ऊपर रुई रुई डाल के उसको पिहुआ बोलते थे, रुई लगा के उसके ऊपर फिर ड्रॉइंग स्टार्ट, वो कंटिन्यू उसी के साथ ट्रेडिशनल ब्रश से, तो कभी पहले ड्रॉइंग पिहुआ से और उसको ऊंची बोलते थे हम लोग, जो इसको पत्थर पे कूटा जाता था, इन दो चीजों से पूरी पेंटिंग तैयार की जाती थी। उसके बाद जगह लिया इस ट्रेडिशनल नीब ने, नीब आया ट्रेडिशनल, ये नीब, इस नीब के अंदर यहाँ पॉइंट नहीं होता है, इसने जगह लिया, इसके तहत हम लोग पेंटिंग सब करने लगे, स्केचिंग करने लगे। अब तो हमारी लाइफ में समय के साथ बहुत सारी परिवर्तन हुई है कि अब अलग अलग नंबरों के ब्रश आ गए हैं, तो लोग ब्रशों को यूज कर रहे हैं, पहले ब्रश यूज नहीं होते थे। आज भी मेरी माँ के पास वही स्टिक होता है बॉम्बो का, उसको पत्थर पे कूटती है और सब ड्रॉइंग करके मुझे दिखाती है, मेरी माँ को आज भी ब्रश चलाना नहीं आता, कहती मेरे पास होगा ये तो मुझे उसी से, वो मेरे से अच्छा ड्राइंग करती है, मैं कभी कभी बोलती मैं इनसे अच्छा करूं लेकिन नहीं कर पाता, वो इतना पेशेंसली करती है। और सबसे बड़ी बात की मैंने एकदम स्पीडली एकदम ब्रश को करना उकरना, अभी भी वो मना करती है तुम ब्रश यूज, तुम उसी को यूज करो, लेकिन थोड़ा दिक्कत है करना तो मैं कर देता हूँ थोड़ा वो। जी, तभी वो आपकी गुरु जी हैं। अच्छा अवधेश जी, पहले तो ये जो आजकल एक्रेलिक कलर्स, पोस्टर कलर्स यूज होते हैं, पहले तो ये कलर्स होते नहीं थे, तो नहीं फिर किस तरह के रंग यूज करते थे, कैसे वो कलर्स बनाते थे जो पेंटिंग्स में यूज करते हैं? जी, ब्लैक कलर के लिए हम लोग हमेशा क्या करते थे, जो ना केरोसिन ऑयल होता था, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी बहुत दिनों तक, अब जाके लाइट लगी है, तो खिड़कियों में कांच के बोतल में केरोसिन ऑयल भर के उसमें लंबी सी बाती लगाते थे, उसको ढीबरी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको ऐसे खिड़की पे रखा जाता था विंडो पे, जो इस तरीके से हो मैंने ऊपर कुछ उसमें मिट्टी की सतह हो, वहां पर वो भर्रा जलता था, ब्लैक कार्बन जल जाता था, उसको निकालते थे, उसके अंदर गोबर मिला के उसको घोलना,
फिर उसको कॉटन सूती कपड़े से छान के ब्लैक कलर निकाला जाता था, उसके अंदर फिर खाने वाला गम या बबूल का गम ये सब मिला के उस ब्लैक कलर को तैयार किया जाता था। हम लोग पीपल की छाल से, उसके बाद जो हल्दी है वो यूज करते थे, सिंदूर कलर यूज करते थे। तो अभी भी हम लोग कुछ ना कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पारंपरिक कलरों को यूज करें, लेकिन ये बात सच है कि इस कला के ऊपर अदर कलर्स का मने एंट्री और हावी होना जारी है, कि लोग इसमें पेशेंस नहीं रखते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, इतना टाइम, अब हल्दी से कलर बनाना बहुत ईजी है, येलो कलर घर में बनाना, लेकिन लोग फिर भी नहीं बनाना चाहते। उनको सोचते हैं कि रेडी टू यूज जो होगा मार्केट से कलर ले आए कर ली। लेकिन मैं चाहूंगा कि ना जो भी इसको पारंपरिक तौर पे कर रहे हैं वो कोशिश करें नेचुरल कलर ही यूज करें। जी, ये तो समय के हिसाब से थोड़ा बदलाव तो हर कला में आता ही है। जी, अब आगे वाली जनरेशन के लिए आपको, मतलब आपके कोई सजेशंस अगर हों इस आर्ट फॉर्म को आगे ले जाने के लिए। वैसे तो ये पूरे दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई चैलेंजेस हैं जो आर्टिजन्स फेस करते हैं, या आगे कुछ और होना चाहिए, या कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट या किसी और तरीके से? देखिए आर्टिस्ट के लिए तो ना मार्केट प्रोवाइड कराना, जो प्राइवेट एनजीओ वगैरह गवर्नमेंट दोनों को आगे आना चाहिए ना। पहले भी थे लेकिन अब कोविड की वजह से कम हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट को जब तक, देखिए आर्टिस्ट इसको मार्केटिंग नहीं कर सकता, आर्टिस्ट को मार्केट प्रोवाइड शुरू से होता आ रहा है। चाहे वो ना आप हमारे दादी के जमाने, उस टाइम पे खासकर कुलकर्णी को लेकर, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के अलग अलग शहरों में इसके मार्केट को प्रोवाइड कराए, ताकि आर्टिस्ट अपनी कलाकृति को बेच पाए। क्योंकि आर्टिस्ट तो अपनी कलाकृति में रह जाता है, वो अगर मार्केट तो ढूंढ नहीं सकता, उसको तो मार्केट कहीं न कहीं कोई एनजीओ है या गवर्नमेंट है, वो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम कस्टमर वाइज पेंटिंग कर रहे हैं या फिर हम क्राफ्ट बना रहे हैं। दो चीजें होती है, आर्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर टाइम नहीं देखी जाती। हम पेंटिंग्स को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और उसमें कितना टाइम लगेगा ये ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें उसको किसी लेवल पे या तो एग्जिबिट करना होता है या फिर कहीं पे उसको सबमिट करना होता है। क्राफ्ट क्या चीज है कि हम वो चीजें बनाते हैं जिससे हमारा घर चले, उसमें हम टाइम बॉन्डिंग रखते हैं कि इसका क्या प्राइस मिलने वाला है। तो आर्टिस्ट के लिए तो बहुत चैलेंज है, मार्केटिंग नहीं मिल पाना या फिर प्रोडक्ट को सेल नहीं हो पाना, आर्टिस्ट के लिए बहुत चैलेंज है। मैं नए लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो क्रिएटिविटी रखें अपने आप में। लोगों को हमारे साथ, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, अगर आप किसी आर्टिस्टिक फैमिली से नहीं भी हैं तो आप उनको फॉलो करिए, जो जिस डिजाइन्स को, जिस मोटिव को उन्होंने फॉलो किया उसको वो फॉलो करें, ताकि आप इसकी जो प्योरिटी है उसको बरकरार रख सकें। जी, आपको लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो इस आर्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड है, वो इसको आगे ले जाना चाहते हैं? यंग हैं लेकिन उनको एक सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। यंग लोग उनको ये लगता है कि हम पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, हम ट्रेडिशनल में इंटरेस्टेड हैं, ये चीज उनको नहीं समझ में आता है। आजकल जैसे कि उन्हें बहुत लोग, बच्चे लोग फाइन आर्ट सीखते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनाना सीख लेते हैं, फिर वो चाहते हैं कि हम मधुबनी भी बनाए। इंटरेस्टेड है लेकिन मैं चाहूँ उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पेंटिंग बनाइए, ट्रेडिशनल तौर पर बनाए। हैं इंटरेस्टेड काफी लोग, उनको लगता है कि इसमें मैंने मुश्किलें हैं लेकिन सम्मान भी बहुत है, और आप इसको अपनी रोजी रोटी का भी जरिया बना सकते हैं अगर आप क्रिएटिविटी है, अच्छे से पेंटिंग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी, अवधेश जी, आपने क्रिएटिव डिग्निटी में भी काम किया, जो एक बहुत ही अपने आप में एक अनोखा मूवमेंट था, जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स आए, जुड़े आर्टिजन्स को सपोर्ट। तो मैं आपका कैटलॉग भी अभी शेयर करती हूँ, जो IICD स्टूडेंट्स के साथ मिलके आपके और क्रिएटिव डिग्निटी की टीम के साथ हम लोगों ने बनाया। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए एकदम बिल्कुल वो नया एक्सपीरियंस था, बिल्कुल सरप्राइज। इतना मैंने पेशेंस के साथ जितने भी मैंने थे हमारे साथ जुड़े, जैसे मोनिका जी थी, तनिषा जी थी, आप थे, सबने मिलके हमें कितना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हम किस तरीके से अपने वर्क को सुंदर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे प्रोडक्ट्स को हो।
तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, हमें एक प्रोडक्ट को सेल करने का मौका मिला और अपनी कला को और अच्छे से निखारने का भी आप लोगों ने हमें मौका, तो इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अवधेश जी, ये पेपर मैशे के भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, जी तो इसका अगर आप थोड़ा ब्रीफली हमें प्रोसेस बता सकें कि कैसे पेपर मैशे ये तैयार होता है, और फिर क्योंकि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है मधुबनी आर्ट को यूज करने का। जी घर के जितने भी वेस्टेज पेपर होते हैं, जैसे मैंने जो पेपर हम यूज नहीं कर रहे हैं उसमें आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कार्टन्स भी ले सकते हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं उसको पानी के अंदर डीप करते हैं 1 से 2 दिन तक। फिर उसको जो कपड़ा धोने वाला पुराने स्टाइल का एक पिटना होता था लकड़ी का, जिसे कपड़े धोते थे, उससे उन कागज को कूटा जाता है। कूट के उसमें से पानी निचोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बाहर, और उसके अंदर मैंने ये समझिए कि 70% मैंने पेपर 70% पेपर, 20% उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाला जाता है ताकि उसके अंदर गम हो, फेविकॉल ताकि वो ज्यादा दिन तक टिका रहे, और मेथी पाउडर मिलाया जाता है उसके अंदर ताकि इसमें कीड़े न लगे। इसका 3 स्टेप है। पहला स्टेप में इसका एक डिजाइन बनाया जाता है, वो सूखता है, फिर उसके ऊपर एक मोटा लेयर फिर लगाते हैं कागज का ताकि वो मोटा हैवी हो जाए, फिर उसको घिसते हैं, घिस के फिर मुल्तानी मिट्टी से पोता जाता है। उसके बाद आप उसके ऊपर मनचाहे डिजाइन बना सकते। इसके लिए में पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है इस पेपर में शुरू करने के लिए, लेकिन बहुत खूबसूरत है, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो इसको जरूर बनाएं। जी, मैं आपका कैटलॉग शेयर कर रही हूँ सबके साथ, आई होप ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये अवधेश जी के प्रोडक्ट्स हैं जो IICD स्टूडेंट्स के साथ मिलके कैटलॉग बनाया गया था कोविड के टाइम पर। बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट्स हैं अवधेश जी, मैंने बहुत सारे लोगों को दिवाली पे गिफ्ट में भी ये दिए थे, लोगों ने बहुत पसंद भी किया इन्हें। थैंक यू सो मच। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो आप अवधेश जी से पूछना चाहते हैं। रश्मि बोल रही हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये जो पेपर मैशे के प्रोडक्ट्स हैं, ये पेंट करने के बाद आप इनको लैक करते हैं, वार्निश वगैरह नहीं, करते लैकर हैं? नहीं लैकर करते नहीं हैं। करते हैं। तो ये फिर वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें गीला हाथ लगेगा तो ये खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं, गीला हाथ लग गीला हाथ सकता है, लग इसको सकता है, पानी इसको के अंदर पानी के डीप अंदर नहीं डीप करना नहीं है। करना है, मैंने जैसे बाल्टी के अंदर बाल्टी के गिर अंदर जाना, गिर वो नहीं, जाना, पानी के पानी छींटे के पड़े छींटे कूचने पड़े कूचने पड़ेगा, पड़ेगा, अगर आप गीले अगर आप हाथ से गीले भी हाथ से उठाते भी हैं तो उठाते कुछ हैं नहीं तो कुछ पड़ता, नहीं पड़ता। मैंने पूरी तरह पानी में पूरी डूबना तरह नहीं किया, पानी अगर में डूबना डूबेगा नहीं तो किया, खराब अगर होगा। आप इसे वार्निश कर दें या लेकर कर दें तो फिर तो ये वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। देखिए कर सकते हैं, लेकिन क्या लेकिन होता है ना क्या कि होता फिर है ना, वो, फिर वो हम हम सोचते हैं कि सोचते इसकी हैं कि जो इसकी जो प्योरिटी है, जो प्योरिटी पूरा है जो पूरा ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है वो नहीं रह वो नहीं जाएगा, रह उसके ऊपर जाएगा, एक उसके केमिकल का ऊपर एक लेप लग केमिकल जाता है। लग जाता अगर कोई है। अगर कोई कस्टमर कस्टमर चाहता है, चाहता जैसे है, लोग जैसे लोग लैम्पशेड लैम्पशेड बनाते हैं, बनाते हैं, कोई कोई कस्टमर कस्टमर चाहता है कि चाहता उसके है कि ऊपर उसके ऊपर लाकर लगा लैकर के दें, लगा हम के लोग दें, वो हम लोग लगा वो के लगा देते के हैं। देते हैं, बिकॉज उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है उससे, बिकॉज लुक में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, शाइन दिखने शाइन लगता दिखने थोड़ा लगता सा, है। लेकिन शाइन दिखने। लैक ये अवधेश जी, लैकर भी दो तरह के आता है, एक है ग्लॉसी आता है जिससे शाइन आता है, और एक जी मैट फिनिश्ड होता है, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है पर ओके शाइन नहीं ओके करता। लेकिन गीला होने से डिजाइन को, कलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो मैं कोशिश मैं करूंगा कोशिश कि करूंगा मैट कि वाला मैट एक बार वाला एक यूज बार यूज करूं। करूं। जी, सुझाव देने के लिए आपका देने के लिए बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली पेपर मैशे तो कश्मीर में इतना पॉपुलर है और पूरे वर्ल्ड में सबने वो ही देखा है, उतना डेलिकेट वाला। लेकिन आपका आर्ट में, पेपर वर्क पेपर मैशे पे आपका आर्ट, ये दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये बहुत डिफरेंट है, और एक थैंक यू नया लुक आ रहा है पेपर मैशे के प्रोडक्ट्स से, जी। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली राइट रश्मि, जो एक फोक आर्ट की सिंपलिस्टिक ब्यूटी होती है वो बहुत सुंदर दिख रही है इसमें। एग्जैक्टली।
दिलीप जी ने हाथ रेस करा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी जो मैंने दिलीप जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी। आपका कोई प्रश्न है अवधेश जी के लिए? नमस्कार हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न यह है कि जो पारंपरिक कला को प्रचार प्रसार करने हेतु और क्या क्या स्टेप्स हम ना हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से लेने चाहिए। पारंपरिक चीजों को मैंने आगे बढ़ाने के लिए उसको सरकार को ये स्टेप होना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पे इसका एक प्रोग्राम चलाए, प्रोग्राम चला है, उस प्रोग्राम के तहत जो हमारी विरासत है, आने वाले जेनरेशन हैं, उनको ये कला से अवगत कराया जाए, चाहे वो भारत की कोई भी कला हो, उसको ग्रामीण स्तर पे आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसका कोई कोर्स वगैरह डिजाइन किया हुआ है क्या? सरकार 6 महीने का कोर्स करवाती है, 6 मंथ में आपको बेसिक से लेके एक ट्रेंड किया जाता है कि आप एक आर्टिस्ट के तौर पे अपने आप को ट्रेंड करें, और उसके बाद न्यू क्रिएटिविटी या न्यू डिजाइन वो तो आपको खुद करना होगा। 6 मंथ में सरकार सिर्फ आपको एक बेसिक से एक लेवल तक लेके आती है, जिसके तहत आप उस कला को कर पाते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। स्वाति, आई वुड जस्ट लाइक टू कॉम्प्लीमेंट, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अवधेश जी को और आपको दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि अवधेश जी ने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया और अपनी मतलब पूरा डिटेल बताया कि क्या ड्रॉ करते हैं, उसका क्या अर्थ है, और वो खाली ऐसे 4 लाइन नहीं है कि कुछ देखा और आपने उसको पेंट कर दिया। तो अर्थ के साथ, मतलब के साथ और पेशेंस के साथ, और इतनी अच्छी तरह सब लोगों को समझाया। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने वार्ता अटेंड की है, दे हैव रियली एंजॉयड इट। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू अवधेश जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। दैट्स इट, थैंक यू। मैम, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन अवधेश जी। यस तो मैं जानना चाहती थी कि कोहबर जैसे जो तस्वीर अभी दिखाई गई थी हमें, उसका वही स्टाइल है या अलग अलग प्रांतों में या अलग अलग जगहों पे ये बदल भी जाता है? मतलब जो चीजें आपने डिटेल्स बताई वो वही चीजें बनती हैं या अलग अलग भी होती हैं? देखिए, कोबर 2 तरीके का बनता है। एक सात कोबर वाला कोबर है, 7 पत्तों वाला, जो कैस्ट परिवार के लिए है। इसी में 11 पत्तों वाला कोबर बनता है, जो ब्राह्मण फैमिलियों के लिए बनता है। बाकी डिटेल्स सेम होते हैं, सिर्फ जो राउंड वाला उसके अंदर है, 7th बन जाए, 7 पत्ते कैस्ट परिवार के लिए, 11 पत्ते ब्राह्मण परिवारों के लिए। इसमें दो एक चीज और क्या होता है कि हमारे कुल देवता के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो पेपर पे बनना है या दीवार पे बनना है। बहुत जगह ये डायरेक्ट दीवार पे बनने की प्रथा है, बहुत जगह पेपर पे लिख के टांगने की प्रथा है। ये चीज इसके अंदर डिफरेंट जी सर, जैसे मेरी फैमिली में भी बनाते हैं कोबर, है। बट जी अभी रिसेंटली जैसे एक शादी पड़ी थी मेरे भाई की, तो क्योंकि अब पुराने लोग नहीं रह गए हैं पहले के समय के जो कोबर बनाते थे या उन्हें पता था कि क्या बनना है, तो एक बार तो बहुत ही कम लोग थे। पल्लवी जी, पल्लवी आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, मैं कह रही हूँ कि रिसेंटली मेरे भाई की शादी थी जब, तो बहुत कम लोग आए थे, पुराने लोग नहीं थे शादी में, जो ये बता सके कि डिटेल में क्या चीजें बनती है कोबर में, और गांव और ऐसे जगहों पे कोई तस्वीर भी नहीं होती इनके पास पुराने कोबर की, तो उन लोगों को ये पता नहीं था, नए लोगों को, कि क्या चीजें बननी चाहिए। तो फिर भी हमने जो कोबर बनाया वो इससे काफी अलग था जो मैंने आज देखा, तो मुझे आज पहली बार पता चला कि डिटेल में चीजें क्या होती हैं और उसका मतलब क्या है।
तो मैं इसीलिए जानना चाहती थी कि क्या यूपी में अलग स्टाइल चलता है और बिहार में अलग है, या उसी को लोगों ने और सिंप्लीफाई कर दिया है। देखिए कोबर जो है कोबर मिथिला में ही बनाया जाता है, ठीक है, और मिथिला में ही इसकी रिवाज है। मिथिला के लोग चाहे यूपी में हो चाहे कहीं भी हो, वो जी वहां जी जाके अपनी कला को तो नहीं, अपनी परंपरा को तो नहीं छोड़ते। जहां तक रहा कि मैंने आपका उस चीज को हम कैसे समझ पाए कि कौन सा चीज जरूरी है, उसके लिए जी बहुत सारे किताबें लिखी गई हैं। आप उन ओके किताबों को देख के, उसके अंदर डिटेल्स को देख के आप उसको समझ सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों की डिटेल्स आज भी आपको बता पाएंगे। उसके लिए आपको किसी पारंपरिक कलाकार से बात करनी होगी कि हम ये चीज शादी में यूज करना चाहते हैं, उसमें क्या चीज होता है। आजकल तो रीति रिवाजों के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जी जिसको पढ़ बिल्कुल के आप समझ के उसके ऊपर कर सकते हैं। सर, आप कोई बुक बता सकते हैं, किसी बुक का नाम जो आपको पता हो बताइए। देखिए मैं कृष्ण कुमार कश्यप जी की लिखी किताब थी मिथिला लोक कला बिहार कला संस्कृति, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ना मिथिला अरिपन के नाम से बुक है, वो भी कृष्ण कुमार कश्यप जी ने लिखा है, वो आप अच्छे से पढ़ के उसमें कर सकते हैं। एक बार ना गंगा देवी जी के ऊपर बुक लिखा हुआ था, ट्रेडिशनल इम्प्रेशन ऑफ गंगा देवी, ज्योतिन्द्र जैन जी द्वारा लिखा गया हुआ है, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी गई। जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने जो बनाया था कोबर शादी में, तो उसमें जैसे कुछ बिच्छी, सांप, लक्ष्मी गणेश और कोई एक कहावत भी लिखते हैं उसमें, तो ये क्या नहीं मिथिला में मतलब मैं बताता, कोई। बिच्छू बिच्छू सांप तो बनता है, लक्ष्मी गणेश जी कोबर के अंदर नहीं बनाया था, बिच्छू सांप बनता है। ओके, और कुछ लिखने की भी प्रथा है इसमें, जैसे कोई कहावत या कोई दो लाइन में कुछ ऐसा लिखने का भी प्रथा है इसमें। नहीं कोबर के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। जो कोबर घर जो बनता है शादी के लिए, उसके अंदर जी लोग अलग अलग तरीके की बनाए, जैसे नहीं कहते शायरी टाइप्स की, कुछ नया जी दूल्हा वही दुल्हन शायरी की बात कर रही हूँ। जी आशीर्वाद के लिए वो वॉल पे लिख देते हैं, कोबर घर के वॉल के ऊपर, ओके कोबर में नहीं ओके लिखा जाता, वॉल के ऊपर ओके कुछ चुटकुले कुछ मजाक, ऐसे लोग वो एक मैंने मजाक के तौर पे कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि वो हमें आशीर्वाद दे भी दे रहे हैं, इस तरीके की उस पर लिख जी दी जाती है सिर्फ वॉल के ऊपर। वो लेकिन वो कोबर के अंदर नहीं आता है, जो हम नहीं रेक्टेंगल या चौकोर शेप में बनाते हैं उसके अंदर नहीं। उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ये भी एक चीज है ना अवधेश जी, कि इन सब चीजों का बहुत मीनिंग है, हर मोटिव, हर चीज जो कोबर में यूज करी गई है। जी आपकी माता जी हैं आपके साथ जी में? जी मम्मी है। नमस्कार। जी एक एक क्वेश्चन रह गया अवधेश जी, जो मेरे दिमाग में था जी कि ये पेपर पे आप बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग्स, क्या पेपर को कुछ प्रिपेयर करते हैं पेंटिंग बनाने से पहले, या आप किस तरह का कागज यूज करते हैं उसके लिए? पेपर हैंडमेड होता है, उसके अंदर 60% कॉटन और 40% ही पेपर होता है, उसके ऊपर गोबर के पानी का लेप लगाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है। हर पेपर के ऊपर गोबर का लेप लगाने का वो है, गोबर को जैसे कि नया सुबह वाला कोई गोबर को पानी में घोलते हैं, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, और जैसे रसगुल्ला छानते हैं ना उसको दूध को फाड़ के, उस तरीके से उसको कॉटन कपड़े में टांग दिया जाता है ऊपर, अब वो पूरा निचुड़ के नीचे पानी आता है, फिर उसको बड़े वाले ब्रश की सहायता से पूरे पेपर के ऊपर लेप लगाया जाता है। उसका तरीका यह है कि उसको सुबह 9:30-10 बजे तक ही करना होता है, क्योंकि अगर उसको सूर्य की रोशनी बहुत तेज लगेगी तो पेपर टेढ़ा हो जाता है, तो हमें बहुत मैंने हल्की गर्म वाली भी सूर्य की रोशनी चाहिए, बहुत हार्ड वाली भी नहीं चाहिए, तो हम लोग 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 10:30 तक सारे पेपर को पोत के सुखा के फिर घर में रखते हैं। तो ये क्या कारण होता है ऐसे गोबर से इसको लेपने का, ये गोबर से लिखने से पेपर का जो लाइफ है वो क्या? काफी बढ़ जाता है, पेपर की जो लाइफ है, पेपर जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर गोबर का लेप लगाया जाता है। गोदना पेंटिंग में तो एकदम कंपलसरी है, गोदना मधुबनी में तो कभी कभी बहुत लोग उसके बेस कलर करके भी आजकल पेंटिंग करने लगे हैं, लेकिन गोदना में एकदम कंपलसरी है कि उसके ऊपर गोबर का लेप लगना ही लगना, गोदना वो पेंटिंग के ऊपर हल्का पीला सा भी रंग आ जाता होगा उससे। जी हल्का पीला सा उसका कलर आ जाता है।
जी, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी आज आपने मधुबनी के बारे में, जो हम देख देख के खुश तो बहुत होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता था कि इन मोटिव्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों वहाँ पे डाले गए हैं। तो बहुत ही मजा आया मुझे सुनने में और आपसे बात करने में। आई होप कि जो भी हमारे साथ हैं उन्होंने भी उतना ही इंजॉय किया होगा। अवधेश जी का जो कैटलॉग मैंने सबके साथ शेयर किया था वो ISED के वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसमें उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं, बैंक अकाउंट नंबर भी है, अगर आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहें वहां से तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मे बी वी कैन वाइंड अप द सेशन नाउ। सीमा दिस साइड। हेलो अवधेश जी, हाउ आर यू? तो नमस्ते जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका जो काला और लाल रंग बनाते हैं नेचुरल प्रोसेस में, क्या वो वही है जो टेक्सटाइल डाई में मैडर और स्याही की तरह बनता है आयरन रस्ट से, या कोई दूसरा उसका विधि है? ब्लैक कलर के लिए तो मैंने बताया था कि जो हम लोग दिया जलाते हैं वो डीवीडी जिसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल से, उससे होता है। रेड कलर के लिए पीपल की जो छाल आती है जो एकदम सूखा होता है उसको उबालते हैं, उसको उबाल के फिर रेड कलर निकाला जाता है उसके अंदर से। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू जी। जी वेलकम। Thank you, Abdesh ji, and thank you to everybody who was present here for the session. We will be back on 24th with another Swata session. Hope to see you all again.